Hello, students. Welcome back to the class. I am going to teach you the subject English literature of class fourth. The book name is Kite's English Reader. Before that, I would like to say you: those students do not have book, I request you to buy the books, and those who have bought the books, you can open and read or see along with me. so those who have not bought the book, if you buy, it will be easy for you to read and understand. so let's go to the first page. the first lesson speaks the caliph and the clone. the first lesson is the Caliph and the Clone. So, the theme of this lesson is there was a very rich man named Caliph in Baghdad. So, he appointed a clone for his entertainment. On his every strange question, he put a strange reply. So, let's read with me the stanza.

कलीफ उसको जोक सुनना बहुत पसंद था तो उसने क्या किया एक क्लोन को बुलाया यानी जादूगर को और वो क्या किया उसको अच्छा अच्छा जोक सुनाया बहुत सुंदर सुंदर जोक सुनाया इसे जोक सुनाया कि वो सुनकर वो कलीफ बहुत खुश हो गया वस द कलीफ आस्क द क्लॉन हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ वाटर आर देयर इन द सी। तो कलीफ ने क्लॉन से क्वेश्चन किया यानी पूछा हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर देयर इन द सी यानी समुद्र में कितने बूंद पानी है किसने किससे पूछा कलीफ ने क्लोन से पूछा कि समुद्र में कितने बूंद पानी है द क्लॉन रिप्लाइड यानी क्लॉन जवाब दिया क्या जवाब दिया योर मेजेस्टी फर्स्ट ग्यादर ऑल द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इन टू द सी तो उसने क्या जवाब दिया क्लॉन ने कलीफ को बोला आप पहले इस दुनिया में जित, इस पृथ्वी में जितने भी नदी है ओ सारे नदी को आप इकट्ठा कीजिए उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इस समुद्र में कितने बूंद पानी है ओनली देन आई शैल बी एबल टू टेल यू द करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इन द सी द कलीफ हर द आंसर एंड बिकेम स्पीचलेस वो कलीफ ने ए जवाब सुनकर तुरंत शांत हो गया यानी कुछ नहीं बोल पाया then he asked another question well tell me how many hair are there on the body of a bear फिर उसने दूसरा दुस, question किया और वो question क्या था भालू के शरीर में कितने बाल हैं क्वेश्चन क्या है भालू के शरीर में कितने बाल हैं ये हमारा दूसरा दूसरा क्वेश्चन है तो क्लोन ने क्या जवाब दिया द क्लोन थॉट फॉर अ वाइल्ड देन ही आस्क द कलीफ टू सीट अंडर द स्काई द कलीफ फॉलोड हिम द क्लोन शोड हिम द स्काई फुल ऑफ स्टार्स ही सेड सर देर आर आयस मेनी हेयर ऑन द बियर्स बॉडी आयस देर आर स्टार इन द स्काई तो क्लोन ने क्या किया वो कलिफ से बोला कि आप आकर यहां पे आसमान के नीचे बैठिए और आसमान में देखिए कि कितने तारे हैं तो उसने क्या किया वो जैसे वो जो बोला वैसे ही वो भी किया और उसने गया वहां पे बैठा और ऊपर देखा फिर एक क्लोन ने बोला कि आसमान में जितने तारे हैं उतने ही भालू के शरीर में भी बाले हैं देन वॉट एपेन द कलीफ वॉज स्पीचलेस उसके बाद फिर वो कलीफ शांत हो गया एक सेकेंड के लिए वो शांत हो गया और सोचा अब क्या करूं क्या क्वेश्चन करूँ इससे बट टू कंटिन्यू द फन He put his next question How long is one second to eternity? The clone knew that the caliph was bent upon catching him. So he smiled and replied that as high as the stars in the sky. Once in every hundred years, a fly goes round the entire mountain. फ्लाई डज इन वन सेकेंड ऑफ इटर्निटी यानि एक सेकेंड में कितना दूर इटर्निटी है उसने वो कलीफ को पता है कि वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार वो अपना जवाब दे रहा है एग्जाम्पल के साथ सो उसको पता है कि कुछ भी मैं क्वेश्चन करूँगा वो मुझे आंसर दे देगा या किसी भी उदाहरण के सही तो मुझे आंसर देगा सो वॉट डिड ही डू ही सेड ही स्माइल एंड सेड एज हाई एज द द स्टार्स इन स्काई वंस इन एवरी हंड्रेड इयर्स ए फ्लाई गोस राउंड द एंटायर माउंटेन दिस द फ्लाई डस इन वन सेकेंड ऑफ इटर्निटी यानी एक सेकेंड में मक्खी जितना उड़ सकता है वैसे ही एक सेकेंड है उतना उसमें दूरता है नाउ द कलीफ वॉज स्पीचलेस ही न्यू इट वॉज इम्पोसिबल टू बीट द क्लोन इन हीस वेट तो अभी क्या क्या वो चुप हो गया कलिफ चुप हो गया क्यों क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो उसको आंसर मिल रहा है वो उसका जवाब दे पा रहा है इसीलिए वो सोचा कि वो क्या क्वेश्चन करूँ इस समय जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं वो उसका जवाब दे पा रहा है अभी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन कर लो वो मुझे जवाब देगा ही देगा तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है सो दिस आर द वर्ड मीनिंग सो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एटलीस्ट फाइव टाइम ईच वर्ड एंड रीड एंड बाय हार्ट इट द वर्ड मीनिंग कलिफ मींस ए लिटिल यूज बाय द मुस्लिम रूलर्स Jogs, funny talks, employed, gave a job to, witty, quickly and cleverly, funny, amusing, gather, collect, correct, true, reins, long, narrow, bands by which animals are controlled and guided, eternity, forever, bent upon, determined, speechless, unable to know what to say, impossible, that cannot be done beat defeat so you saw the word meaning here and for next session let us meet with the exercise so if you have any doubt the number is the contact number is given below here you can contact and ask me if you have any doubt so for today it's enough let us meet in the next session for the exercise okay god bless you so if you do like my video please to subscribe comment and like thank you